नमस्कार, मैं केशवन शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ आर एक्सप्रेस के खास अभोगी मुद्दे की बात। आज का जो मुद्दा है, हर उस परिवार से, हर एक उस घर से जो कि जिनके बच्चे जो है स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि NRC ERT की किताबों को लेकर के हम बात करेंगे। और हमारे इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अमिताभ पांडे हैं, जो कि रायबरेली की समाज सेवी हैं और एक स्कूल प्रबंधक हैं, अरविंद श्रीवास्तव जो कि राइजिंग चाइल्ड के प्रबंधक हैं। NCERT ये मुद्दा काफ़ी चल रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान होते हैं वो इन किताबों का प्रयोग ना करके जो है निजी किताबों का प्रयोग करते हैं, जिससे जो अभिभावक होते हैं उनके आर्थिक खर्चों का भी बोझ बढ़ जाता है और जो बच्चे होते हैं उनके जो विद्यालयों की किताबें होती उसको लेकर के भी बोझ बढ़ जाता है। तो हम इस विषय को लेकर के सबसे पहले चलेंगे अरविंद श्रीवास्तव के पास और जानेंगे कि क्यों इस NCERT की किताबों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अरविंद जी, क्यों ऐसा, क्या कारण हो जाता है कि जो निजी स्कूल होते हैं वो NCERT की किताबों का प्रयोग नहीं करते हैं? देखिए, NCERT की किताबें निश्चित रूप से अच्छी हैं और HRD मंत्रालय वगैरह से जो शिक्षा भी एक से अच्छे अच्छे शिक्षाविद हैं उनके माध्यम से बनी है और इन किताबों का प्रयोग ऐसा नहीं कि विद्यालय करते नहीं है, निजी विद्यालय इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत रहती है कि ये किताबें समय पर उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त पिछले सत्र में और इसके और पहले ये देखा गया है कि इनके तमाम पन्ने इनके मिसप्रिंट रहते हैं, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। हम लोग प्रयास करते हैं कि NCERT किताबें चलाई जाएँ, लेकिन चूँकि समय से उपलब्ध नहीं रहती हैं और सभी बच्चों को मिल भी नहीं पाती हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है कि निजी प्राइवेट जो पब्लिकेशंस हैं उसकी किताबें भी चलाई जाती हैं साथ में, लेकिन वो तो काफ़ी महंगी हो जाती है, जो कि आर्थिक काफ़ी दिक्कतें भी देती हैं हम जो अभिभावक होते हैं उनको। निश्चित रूप से महंगी पड़ती हैं, लेकिन जो है जब बुक्स समय पर उपलब्ध नहीं रहेंगी तो इसलिए मजबूरी में इसको चलाना पड़ता है। देखिए, आपने कहा कि किताबें बहुत अच्छी होती हैं NCERT की और वाकई होती है, तो प्रयोग इसका करने के लिए दिक्कतें हैं, जैसे आप बता रहे समय से काफी देर लगता है आने में, लेकिन तो क्या इसके विद्यालय जब नया सेक्शन शुरू होता है तो उसके पहले भी मंगाई जा सकती है पहले से इसके लिए? दिसंबर के मंथ में ऑर्डर दे दिए जाते हैं जो भी यहाँ पर NCERT की बुक्स काम करते हैं जी। इसके बावजूद इसकी इतनी शॉर्टेज रहती है, गवर्नमेंट को चाहिए इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसकी किताबें छपवाए और अच्छी गुणवत्ता अच्छी क्वालिटी में छपवाए, चाहे वो 1 रुपया 2 रुपया महंगी हो, लेकिन क्वालिटी इनकी अच्छी होनी चाहिए। चलेंगे अमिताभ के पास जो कि एक समाज सेवी रह रहे हैं। अमिताभ जी, लगातार अगर NCERT की किताबों की बात की जाए तो ये सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं और अभिभावकों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ जाता है, आप भी एक अभिभावक हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस समय इसमें बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, और आपने जो मुद्दा उठाया है ये हर व्यक्ति के लिए, हर उस परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति गाँव से आकर के शहरों में अपने परिवार को लेकर अपने बच्चों को लेकर के रखा है और पढ़ाई करा रहा है, और जिसके घर में अगर 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो आप अमूमन मान लीजिए जब नया सत्र शुरू होता है तो 1 बच्चे की जो है वो अगर 1 क्लास की अगर बुक खरीदा जाए, किताब खरीदा जाए, तो वो लगभग 7-8 हज़ार रुपये का उसका शुल्क पड़ता है। अगर जिसके घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हों तो वो लगभग 15-16 हज़ार रुपये का उसका एक ये अतिरिक्त बोझ लगता है। अगर NCERT इस बुक को उपलब्ध कराए, और ये विद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को, अभिभावक को ये उपलब्ध करा दें कि ये उनके यहाँ अवेलेबल हो, बुक उनके यहाँ उपलब्ध हो, उसको वो उसके अगर वो 100 रुपये की बुक है तो वो प्राइवेट में 300-500-1000 रुपये की बुक्स होती, जो हम लोग खुद खरीदते हैं, इसका खर्चा वहन कर रहे हैं। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और ये जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की भी है, सरकार की भी है, कि समय रहते हुए उस बुक्स को, उस किताबों को उपलब्ध कराए। और इसी तरह 1-2-3 मुद्दे और भी हैं आज के समय में। बिल्कुल अरविंद जी, अभी जैसे कि एक समाज सेवी हैं, उन्होंने बताया कि इनको प्रबंधकों को चाहिए कि NCERT की किताबें अवेलेबल कराएं, तो हम आप एक स्कूल के प्रबंधक भी हैं, तो अगर NCERT की किताबें मिलती हैं तो क्या आप अपने विद्यालय में इसको चलाएंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि आपके विद्यालय में जो भी किताबें हैं वो जो प्राइवेट होती है वो चलती हैं, तो क्या आप मुहैया कराएंगे बच्चों को? मैंने बताया कि किताबें निश्चित रूप से अच्छी हैं और हम लोग इसको निश्चित रूप से चलाएंगे, लेकिन चूँकि समय पर उपलब्ध हों, क्योंकि अप्रैल से सत्र प्रारंभ होता है, इसके पहले ही उपलब्ध हो जाए सभी बच्चों के लिए, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप अप्रैल के पहले भी आप इसकी मांग भी कर सकते हैं, आप प्रबंधक हैं, क्योंकि बच्चों के ऊपर जो है बोझ पड़ता है और अभिभावकों के ऊपर भी आर्थिक बोझ पड़ता है, आपके यहाँ काफी बच्चे भी पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, कैसे करेंगे?
देखिए, या मंच पे आप इस पे जो है बोलेंगे कि एनसीईआरटी किताबें जो है हम अपने आप प्रयोग करेंगे, अपने विद्यालयों में शुरुआत करेंगे, चाहे रायबरेली अपने विद्यालय में शुरुआत करें ताकि रायबरेली के जितने भी विद्यालय वो भी शुरुआत कर सके, इसको लेकर के आप जहाँ तक हमारे राइजिंग चाइल्ड स्कूल का सवाल है, हम लोग 50% से ज्यादा एनसीईआरटी की बुक्स चलाते हैं जी। और दिसंबर मंथ में हम लोगों ने ऑर्डर दिए थे यहाँ के जो भी स्टेशनरी की शॉप हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नहीं आ पाई। अब की तो खैर लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन पिछले सत्र में भी ऐसा हुआ था कि समय से नहीं मिल नहीं पाई थी, अप्रैल से हमको बच्चों को क्लास देनी होती है जी। अमिताभ जी, लगातार इस देखा गया है कि जिस प्रकार के बोझ पड़ता जा रहा है, तो अभिभावक किसकी आवाज़ें क्यों नहीं उठाता है, एनसीईआरटी की बुकों की मांग करता है, क्योंकि बोझ काफ़ी पड़ता है वो चाहे आर्थिक हो या बच्चों के लिए। देखिए अभिभावकगण इसकी मांग अभी से नहीं, लगभग 5-6 वर्षों से लगातार मांग उठा रहे हैं कि ये बुक किताबें जो है उपलब्ध कराएं विद्यालय प्रबंधक, और फीस को लेकर के, ड्रेस को लेकर के बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं बच्चों में जो पढ़ाई के सत्र में एक बहुत बड़ा बोझ पड़ता है, उसको लेकर के लगातार मांग उठ रही है, ये आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन ये सही है कि एकजुटता न होने कारण और सरकार हम लोग की इस मांग को ध्यान न देने कारण आज ये समस्याएँ हैं। और ये अरविंद जी हमारे बगल में बैठे हैं और ये बधाई के पात्र हैं, इन्होंने अभी हमने देखा कि इन्होंने भी 3 महीने की फीस बच्चों की माफ़ किया है, और इन्होंने कहा भी कि हम प्रयास करेंगे कि जो है आगे एनसीईआरटीसी की बुक हमारे यहाँ चले, प्रयास करें, इसके लिए बधाई की बात है। लेकिन इनकी तरह सभी विद्यालय प्रबंधन को रायबरेली जिले के और देश के प्रदेश के सबको सोचना चाहिए कि देश इसमें संकट के दौर से गुजर रहा है। आप रायबरेली के बड़े समाज सेवी, लॉकडाउन में लगातार आपने कई सेवाएं ऐसी की जो काबिले तारीफ थी, लेकिन अगर इस बुकों की बात की जाए, लगातार ऑनलाइन भी पढ़े हैं जिस प्रकार लॉकडाउन में चल रहे हैं, तो आप समाज सेवी है, एनसीईआरटी किताबों को लेकर के आपने आज तक कोई काम किया है, इस ओर कोई आवाज उठाने का? सही, अभी हम लोगों ने इस पे एकजुटता लेकर के अभी कोई काम नहीं किया है, लेकिन आपका ये जो मुद्दा है, मैंने पहले ही कहा था, बहुत अच्छा मुद्दा है और ये हर उस परिवार के लिए जरूरी है जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं, ये उनके लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। और मैं इसके बाद निश्चित तौर से सबको इकट्ठा करके ये मुद्दा अपने जिले से लेकर के और अपने हमारे बड़े भाई मनोज पांडे जो विधायक उनके मंत्री भी रह चुके सपा सरकार में, और ये मैं प्रयास करूंगा ये मुद्दा सदन में जरूर उठेगा, और ये अगर सत्र जो भी होगा विधानसभा का उसमें ये ज्वलंत रूप से ये मुद्दा उठेगा। अरविंद जी, आपके पास चलेंगे, आपके बच्चों का स्कूल है राइजिंग चाइल्ड है जिसमें काफी बच्चे आते हैं, लेकिन देखा गया अक्सर की उन बच्चों की जो बैग होता है वो काफी बोझ होता है और फीस भी काफी ज्यादा होती है, जिससे दिक्कतें, इसके लिए आपने जिस प्रकार लॉकडाउन में सराहनीय काम किया है कि उन बच्चों के लिए फीस माफी, लेकिन आगे कैसे आप लोग उनके उनका फीस भी थोड़ा सा रियायत हो सके ताकि अभिभावकों को रियायत मिल सके और उनके जो बैग है उस भी जो है हल्का हो सके, क्योंकि काफी बोझ होता है, तो इसके लिए कैसे आप? देखिए, बैग हल्का हो इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं और प्रयोग भी करते रहते हैं, और बुक्स को हम लोग अपने स्कूल में जमा रखते हैं जी, ताकि बच्चों का बैग हल्का रहे जी। जो बुक्स, जैसे मान लीजिए 10 बुक्स आनी है जी, तो 10 में से 2 या 3 बुक्स ही हम लोग बच्चों से मंगवाते हैं जी, और बाकी बुक्स यहीं जमा रखते हैं। चलिए, बुक तो जमा कर लिए बच्चों के जो है बैग, लेकिन जो अभिभावकों की फीस होती है काफ़ी ज़्यादा, उससे अभिभावक परेशान हो जाते हैं, उसको लेकर के कैसे आप? देखिए, निजी विद्यालय अपना एक उनका अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थाएँ देते हैं निश्चित रूप से उसमें पैसा लगता है, और लोग जो हमारे सम्मानित गार्जियंस हैं वो प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, ये भी सभी लोग जानते हैं, तो अच्छी व्यवस्था देंगे तो फीस तो देना ही चाहिए, क्योंकि ये देखिए पेरेंट्स और हमारे टीचर्स, जिस प्रकार महंगाई बढ़ रही इस ओर भी तो आपको ध्यान देना चाहिए ना, कि अभिभावकों के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ रहा है, उस ओर कैसे ध्यान देंगे, जिस प्रकार आपने कहा फैसिलिटीज उपलब्ध कराएंगे तो सीधी सी बात है फीस बढ़, लेकिन अभिभावकों के ऊपर भी तो बोझ पड़ रहा है ना। तो अब व्यक्तिगत स्तर पे हम लोगों ने जो लॉकडाउन का चल रहा है माहौल, इसमें हम लोगों ने अपनी तरफ से जी जो रिबेट देने की प्रयास किया है जी, वो अपने स्तर से हम लोगों ने किया है जी, और बाकी अन्य विद्यालय सब स्वतंत्र हैं अपने लिए अपने अपने। अर्जुन जी, अक्सर एक चीज़ देखी गई, वो चाहे सरकारी विद्यालय हो या प्राइवेट विद्यालय हो, इन दोनों में असमंजस बना रहता है और समानता रहती है, क्योंकि चाहे किताबों को लेकर के हो या फीस को लेकर, काफ़ी दिक्कतें रहती सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों में, असमानताएं क्यों, सबसे बड़ा सवाल? देखिए, सरकार, ये जो कि प्रदेश बहुत बड़ा है, अभी दिल्ली में एक प्रयोग हुआ है जी, जिसमें कि वहाँ के जो
सरकारी विद्यालय हैं उनको काफी हद तक सुधारा गया है। हाँ, काफी अच्छी व्यवस्थाएं है। केजरीवाल सरकार ने जो काफी अच्छी व्यवस्थाएं कर दी, अच्छा आम आदमी पार्टी ने विद्यालयों पे सबसे ज्यादा फोर्स किया दिल्ली में, तो हमें नहीं लगता कि दिल्ली जैसी व्यवस्थाएं कहीं प्रदेश में थी। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और निश्चित रूप से यहाँ पर थोड़ा समय लगेगा और यहाँ पर भी सुधार संभव है। नहीं तो असमानताएं क्यों होती है, सबसे बड़ी चीज है वो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो सरकारी विद्यालयों में असमानताएं क्यों होती है, क्या कारण है, आपकी शिक्षक वो भी असमानताएं क्यों होती है? अब ये तो पेरेंट्स की सोच है, हम तो समझते हैं कि पेरेंट्स टीचर्स मैनेजमेंट बच्चे सब परिवार होते हैं और एक दूसरे की समस्याओं को सभी को समझना चाहिए, ये एक परिवार की तरह चलना चाहिए। दिक्कतें हर व्यक्ति में होती है, पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है, टीचर्स को भी दिक्कत होती है, मैनेजमेंट को भी दिक्कत होती है। आप गार्जियन भी हैं बच्चों के और एक प्रबंधक भी विद्यालय के, आप अपने बच्चों को या कोई भी जो अभिभावक होता है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भी भेजता है, सरकारी क्यों नहीं भेजता, क्या कारण है? देखिए सरकारी विद्यालयों में एक तो हमें जो लगता है कि वहाँ पर एक तो शिक्षक के कम है अभी, क्योंकि वो समस्या वहाँ पर काफ़ी समय से बनी आ रही है कि जो टीचर्स होने चाहिए उतने टीचर्स नहीं वहाँ पर बच्चों के अनुपात में, और प्राइवेट विद्यालय इन चीज़ों को बहुत ध्यान देते हैं कि हमारे सेक्शंस में बच्चे कम से कम हो, 30 बच्चे 40 बच्चे मैक्सिमम होने चाहिए, और प्राइवेट विद्यालयों में क्या है कि एक या दो टीचर हैं और 200 बच्चे हैं, तो और व्यवस्थाएँ भी वहाँ पर उतनी नहीं हैं, तो इसलिए हमको लगता है कि पेरेंट्स चाहते हैं कि प्राइवेट विद्यालयों में भेजा जाए। अमिताभ जी आपसे सवाल जी। आप सब अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं पढ़ाते? देखिए आपके जो एक मंत्री जी हैं सब आपके भाई हैं और आप भी बहुत बड़े समाज सेवी हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजते हैं, आप लोग सरकारी विद्यालयों में क्यों नहीं भेजते? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि दिल्ली को देखा जाए जी। दिल्ली में जिस तरह केजरीवाल सरकार ने वहाँ पे शिक्षा में जितना अच्छा काम शिक्षण में किया है वो देश में एक मतलब एक उल्लेखनीय पहल है जी, बिल्कुल। क्योंकि जो सरकारी विद्यालय में उन्होंने पूरा डिजिटलाइजेशन कर दिया है, बैग फ्री होते हैं, बच्चे बिना बैग के जा रहे हैं और टैबलेट और लैपटॉप में और LCD पे पढ़ाई हो रही है, और वहाँ पे हमने अभी जो सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है उसमें अच्छी अच्छी फैमिली के जो उद्योगपति हैं उनके तक के बच्चे सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं, निश्चित तौर जी, चाहे वो डॉक्टर्स हों चाहे इंजीनियर्स हों, बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं। आप भी समाज सेवी हैं और हम आप भी अपने बच्चों को क्यों नहीं, हम भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जो हमको साल भर का 1-2 लाख रुपए खर्चा होता है, 1 लाख रुपए वो हम भी बचाना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि उसको बच्चे को शिक्षा अच्छी मिले, लेकिन आप दूसरा पहलू देखिए कि आप इसी रायबरेली में देख लीजिए, मेरे समझ से हमारे घनी बस्ती में आबादी में घर है, वहाँ पे लगभग 40% लोग गांव से माइग्रेट होकर के यहाँ पे कमरे लेकर के अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी घर की औरतें महिलाएं वहाँ रहती हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, जिनकी तनख्वाह अगर 30,000 होगी तो पर मंथ 15,000 रुपए अपने बच्चे की शिक्षा पे खर्च कर, और वही चीज अगर देखा जाए लेकिन सरकारी, लेकिन मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन अगर वो सुविधाएं हमको सरकारी स्कूलों विद्यालयों में मिलेगी तो वो 15,000 रुपए क्यों वो खर्च करेगा? वो सरकार में तो सरकारी विद्यालयों में चाहे मिड डे मील की बात की जाए, मिड डे मील है, निःशुल्क किताबें हैं, कापी किताबें, निःशुल्क ड्रेस की बात की जाए, निःशुल्क ड्रेस भी दी जाती है, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को सरकारी में ना भेज करके आप लोग 1-2 लाख खर्च करके प्राइवेट विद्यालयों में भेजते, तो इसमें सुधार के किस प्रकार? इसमें सुधार देखिए हमारे पास सरकार मतलब ये तो ये कहा जाए कि भरोसा नहीं आप लोगों को सरकारी विद्यालयों पर। देखिए भरोसा है, जो शिक्षण वहाँ स्तर है वो प्राइवेट विद्यालय से बहुत अच्छा है जी, वहाँ के जो शिक्षक होते हैं वो बीएड बीडीसी और यूजीसी के क्वालिफाइड टीचर वहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं को जो सही से क्रियान्वयन होना चाहिए वो भी सरकारी विद्यालयों में नहीं हो पा रहा है, वो सरकार तो पूरा उसमें पूरा प्रयास कर रही है, कोई भी सरकार हो शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट दे रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा में सबसे ज्यादा बजट देती, लेकिन नीचे स्तर को नहीं हो पा रही, और वो सरकार की जिम्मेदारी है कि अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराए तो हम लोग अपने बच्चों को जरूर विद्यालय भेजेंगे। तो लगातार मतलब ये कहा जाए ना कि सरकारी विद्यालय हो या सरकार हो वो शिक्षा व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर पा रही, आप लोगों को भरोसा नहीं है कि अपने बच्चों को पढ़ाया जाए, ये सत्य है। तो इस पर लेकर के क्या करेंगे आप, समाज सेवी भी हैं, वो चाहे NCERT किताबों को लेकर के बात की जाए या बच्चों को पढ़ाने को लेकर के सरकारी व्यवस्था को, इसको लेकर के आप क्या करेंगे? आखिरी सवाल एकदम जल्दी बचा। देखिए पूर्व की सरकारों ने भी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने एक जो है अपील की थी कि जो हमारे बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े हमारे नेतागण हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय भेजें और हम प्रयास करेंगे अच्छी सरकारी सुविधाएं वहाँ मिले, वहाँ बच्चों को अच्छे माहौल मिले, लेकिन
वो अभी हम लोग सरकार वो नहीं दे पाई है। और ये निश्चित तौर से हम लोग का मानना है कि जिस दिन ये व्यवस्थाएं अच्छी सरकारी विद्यालय में होगी हम अपने बच्चों को भेजेंगे। अरविंद जी, आप लोग एनसीईआरटी किताबें जिस प्रकार बता रहे हैं कि लेट हो जाती है, इसको लेकर के क्या करेंगे जल्दी में आप? सरकार से मांग करते हैं कि समय पर और अच्छी गुणवत्ता की एनसीईआरटी किताबें उपलब्ध हों ताकि हम लोग आने वाले आगामी सत्र, मतलब ये है कि आप आगे से जो है अगर जल्दी से मिल जाते तो एनसीईआरटी किताबें आप लोग अपने विद्यालयों में जरूर पढ़ाएंगे बच्चों को और बोझ कम करेंगे, हर अभिभावकों का जो आर्थिक बोझ है उसको जरूर आप लोग कम करेंगे। तो जरूर आप लोगों के बीच आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए समय निकाला और जो दिक्कतें आती हैं वो चाहे अभिभावकों को लेकर के हो या बच्चों के काफी किताबों के बोझ को लेकर के हो, काफी दिक्कतें हैं कि अगर जल्द से जल्द एनसीईआरटी की किताबें अगर प्रयोग की जाएं तो कहीं ना कहीं ये जो बोझ है वो जरूर कम होगा। नमस्कार। नमस्कार।